हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड में एनएवी होता क्या है और वो कब और कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आइए जानते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। जब कभी आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका फंड मैनेजर अपने समझ से कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स चुनता है और उन ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का एक बंडल बनाता है। उस बंडल को हम कहेंगे वन यूनिट ऑफ दैट म्यूचुअल फंड स्कीम, और उस वन यूनिट का जो प्राइस होता है उसे हम कहेंगे एनएवी। अब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में एक और डिफरेंस है, वो ऐसे कि जब कभी आप स्टॉक्स बाय करने के बारे में बात करते हो तो आपको हमेशा होल क्वांटिटी में ही बाय करना होता है, यानी 2, 5, 10, 500 ऐसे। आप चाह के भी 12.5, 15.7 क्वांटिटीज स्टॉक्स की बाय नहीं कर सकते। बट जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो तब आपको पूरा फ्रीडम होता है कि आप फ्रैक्शनल क्वांटिटी यानी फ्रैक्शनल नंबर ऑफ यूनिट्स भी बाय कर सकते हो, यानी आप 15.7, 12.5 नंबर ऑफ यूनिट्स म्यूचुअल फंड की बाय कर सकते हो। अब आई बात की एनएवी कैलकुलेट कब और कैसे होती है। आपको पता है कि स्टॉक्स की वैल्यू हर सेकंड पे चेंज होती है, बट एनएवी ये दिन में सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट किया जाता है। जब कभी दिन के क्लोजिंग पे यानी 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है तो हर स्टॉक की एक क्लोजिंग प्राइस होती है। तो उन सारे स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइस को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड का एनएवी दिन में एक ही बार कैलकुलेट किया जाता है, यानी रोज जब मार्केट क्लोज होता है उसके बाद एक बार एनएवी कैलकुलेट होता है। तो ये हो रही सारी जानकारी एनएवी के बारे में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइस, दिस इज अक्षय डागा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।